राम भाई सभी को, मैं योगिंदर। तो भाई आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो में मैं बताऊंगा आपको विनेश फोगाट के बारे में। पहलवान बबीता फोगाट ने विनेश फोगाट के बारे में क्या कहा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का वजन ज़्यादा होने के कारण गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इसके बाद वह भारत लौटी और उनका जोरदार स्वागत हुआ। वह कुछ दिन बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट पर उनकी बहन और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने निशाना साधा है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का वजन ज़्यादा होने के कारण गोल्ड मेडल से वह डिस्क्वालीफाई हो गई। इसके बाद वह भारत लौटी और उनका जोरदार स्वागत हुआ। वह कुछ दिन बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से ताल ठोक रही विनेश फोगाट के बारे में बबीता ने बताया कि विनेश को लेने उनके पिता महावीर फोगाट जाने वाले थे, लेकिन वहां दीपेंद्र हुड्डा कोच बनकर खड़े थे। महावीर फोगाट को उस दौर घटी घटनाक्रम से दुख हुआ। बबीता ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट के राजनीति में आने, कांग्रेस में शामिल होने और पेरिस ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने समेत अन्य मुद्दों पर अपनी राय दी। इस दौरान वह भी भावुक हो गई। इंडिया टीवी पर इंटरव्यू के दौरान बबीता से सवाल हुआ कि क्या राजनीति में आने के लिए विनेश ने सलाह ली। मैं एक बात कहना चाहूँगी, उनकी राजनीति में आने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। कोई भी किसी भी पार्टी को किसी भी समय ज्वाइन कर सकता है। यह उनके खुद के स्वतंत्र विचार और खुद की सोच है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हो सकता है उनका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय पहले से हो। वो शादीशुदा है और उनका और भी परिवार जुड़ा हुआ है। और हमारे समाज में कहा जाता है कि शादी के बाद माँ बाप का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता, ससुराल वालों के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा परिवार होता है। माँ बाप भी बेटी को यही शिक्षा देते हैं कि बेटी अगले की सुना ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी माननी और उनका ही घर चलाना। इसके बाद बबीता से सवाल हुआ कि आजकल विनेश फोगाट किसकी सुन रही है। इस पर उन्होंने कहा कि हम तो कहेंगे कि परिवार की, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इसके बाद सवाल हुआ कि हुड्डा जी से नाराज़गी है, परिवार में फूट डाल दी। बबीता ने कहा, देखिए बिल्कुल इस चीज़ को आपने देखा होगा कि मन्नू बाकर जब मेडल लेकर आई तो एयरपोर्ट पर कोच उनके साथ था। आप देखेंगे अमन सहरावत को जब वो मेडल लेकर आए उनके कोच भी साथ थे। वहाँ पर कोच बनकर दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े थे, जिस कोच महावीर फोगाट ने इतनी मेहनत कराई इतने सालों, और आज उस कोच की जगह दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हैं। तो किसको दुख नहीं होगा, किसको तकलीफ नहीं होगी? क्या महावीर फोगाट को बुरा नहीं लगा होगा? इसका जवाब देते हुए बबीता ने कहा, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जिस गुरु ने इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया। मेरे पापा ने बहुत समय पहले कहा था कि जो ओलंपिक में मेडल लाएगा मैं उसको लेने जाऊँगा एयरपोर्ट पर। आज तक हम किसी बहन को लेने नहीं गए, पहली बार विनेश को लेने जा रहे थे। और जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तब मेरे पापा, मुझे पता कि मैंने अपने पापा को 3 बार रोते हुए देखा। बबीता ने बताया कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद महावीर फोगाट लेने के लिए एयरपोर्ट जाने वाले थे। उन्होंने कहा, मेरे पापा जा रहे थे लेने के लिए, लेकिन ये जो चीज़ें घटी उनको बहुत दुख हुआ। एक तो दुख वो कि जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई, ऊपर से दुख ये कि मतलब इतने सालों की मेहनत करके इस काबिल बनाया। बबीता ने आगे बताया, मैं आपको बता रही थी कि मैंने 3 बार अपने जीवन में पापा को रोते हुए देखा। या तो मेरे चाचा जी जब एक्सपायर हुए थे तब हमने देखा था, या हम बहनों की शादी हुई थी विदाई के टाइम उनकी आंखें बह आई थी, या फिर विनेश को
ये जो एक्सीडेंट हुआ तब हमने उनकी आंखों में आंसू देखे। इन दोनों चीज़ों से उनको जितनी पीड़ा हुई शायद किसी को उतनी पीड़ा नहीं हुई। एक पिता के रूप में मैं भी, एक गुरु के रूप में भी और एक माँ बाप के रूप में भी। इसके बाद बबीता की आंखें नम हो गई। तो हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राम राम दोस्तों।